देख रहे हैं केमास न्यूज, हमारे लेटेस्ट न्यूज को देखने के लिए टाइप करें www.kmasnews.com। सोशल मीडिया पे देखने के लिए टाइप करें केमास न्यूज। आइए देखते हैं सुल्तानपुर की ये खबर। इस समय मौजूद है अखंड नगर मार्केट में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा नई दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास पटेल जी यहाँ मौजूद हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि ये जो परिवर्तन यात्रा निकाला जा रहा है, इस परिवर्तन यात्रा का उद्देश्य क्या है। आप देख सकते हैं कि यहाँ अखंड नगर मार्केट में विकास पटेल जी का आगमन हो चुका है। आइए हम जानते हैं ये जो परिवर्तन यात्रा निकाला जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है। सर, परिवर्तन यात्रा का उद्देश्य क्या है? देश की आज़ादी के लिए पिछड़े वर्ग के महापुरुषों ने भी बहुत ज़्यादा कुर्बानी दिया जी। इसकी वजह से अंग्रेज देश छोड़ करके गए, लेकिन अंग्रेजों के जाने के 74 साल होने जा रहे हैं और 74 साल की आज़ादी में देश में जानवरों की गिनती हुई, कुत्तों की गिनती हुई, हिजड़ों की गिनती हुई, मगर जो देश की बड़ी आबादी है, जिसे पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, आधे से अधिक आबादी है, हमारी जनगणना इस देश में नहीं कराई गई। ना तो कांग्रेस की सरकारों ने कराया और ना अभी नरेंद्र मोदी जी जो अपने को पिछड़ा वर्ग का कहते हैं, ना वही जनगणना करा रहे हैं। तो हमारी मांग ये है कि पिछड़े वर्ग की भी जाति आधारित जनगणना कराई जाए जी। आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं, क्या इसका असर समाज पे पड़ रहा है? नहीं, हम संघर्ष इसलिए कर रहे हैं कि ये जो आज़ादी है, ये आज़ादी हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़के हासिल किया, लेकिन इस आज़ादी पर 3.5% के लोगों ने कब्जा कर लिया और आज हमारा जो बहुत बड़ा समाज है, उसको अधिकार वंचित रख करके रखा गया है। प्रत्येक क्षेत्र में पिछड़े वर्ग को जितनी संख्या है, संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इसके लिए लोगों के अंदर जागृति निर्माण करने और चेतना निर्माण करने के लिए यात्रा निकाली गई है। असर इतना पड़ रहा है कि 2 फरवरी से हम लोग निकले हुए हैं, लगातार पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं वो हम लोगों का स्वागत कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं और उनके साथ सहयोग से यात्रा आगे बढ़ रही है। तो बड़े पैमाने पर लोगों के ऊपर असर पड़ रहा है, लोगों का साथ सहयोग और समर्थन बहुत बड़े पैमाने पर इस यात्रा को मिल रहा है जी। तो आप देख सकते हैं इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से समाज को जागरूक किया जा रहा है और विकास पटेल जी का कहना है कि अभी तक जो पिछड़े वर्ग की जाति जनगणना नहीं है, उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। आप देख रहे हैं केमास न्यूज, इंद्रेश गौतम के साथ।